रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव में सरहंगों ने रात्रि में वृद्ध आदमी की बाउंड्री गिरा दिया और कई सामान का नुकसान भी कर दिया। मना करने पर गाली गलौज के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। आपको बता दें कि रोहिणी प्रसाद पांडे, जिनकी अराजी नंबर 659 में लगभग 100 वर्ष से कब्जा मकान बना हुआ है, जिससे नंद कुमार पांडे, विद्याकांत पांडे, मनोज कुमार, अजय कुमार, अशोक कुमार पांडे द्वारा 3/4/23 को रात्रि में घर की बाउंड्री को गिरा दिया। लगभग 300 पत्थर दीवार खोदकर उठा ले गए। मना करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं फरियादी ने बताया कि मेरा बचा हुआ घर भी गिराने की धमकी दे रहे हैं। वहीं फरियादी रोहिणी प्रसाद पांडे ने पनवार थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक रीवा से जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा रोहिणी प्रसाद साहब है। क्या समस्या है? हमारी समस्या साहब है कि हमारा मकान गिराधीन, बहुत सैकड़ा साल से हमारा मकान बना हो घर में, हमारा घर गिराधीन है, बाउंड्री गिराधीन है, भैंस के चरण गिराधीन है, गाली दे था, मारे दौड़ा था, थाने में से रिपोर्ट किए हैं और हम कौन सुनवाई नहीं भय, और तहसीलदार के फैसला है मेरे पास लिखा है, वह कौन को नहीं मान कही रहे हैं, स्टे है सब कुछ है, जबरदस्ती हमारे साथ कही रहे हैं, पूरा हमारा घर द्वार गिराए रहे हैं। कौन लोग हैं ये? हमारे बड़े भाई के लड़के और उन्हीं के बच्चे नाती, ये 6-7 लोग हैं ये। तो आपने थाने में शिकायत की थी? जी हाँ साहब, 3-4 तारीख के थाने में शिकायत की है साहब। तो क्या बोल रहे हैं थाने वाले? थाने वाले आए हैं तो उनका इस्टे ताबिल की नहीं, एक बात चले गए, हम हमारे कार्रवाई कुछ कार्रवाई नहीं भेज गिराएंगे, जो नुकसान है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन चाहते हैं उनको दंडित किया जाए।